अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद। सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदे स्वागत है। जो नए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। बिहार मदरसा शिक्षकों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ गई। सभी मदरसा शिक्षकों का पेमेंट आखिरकार आ चुका है। ऑफिशियल लेटर को जारी किया गया। ऑफिशियल लेटर में साफ साफ यही लिखा गया है कि जितने भी मदारिस हैं, सभी मदारिस या फिर स्कूल, सभी स्कूलों के शिक्षकों का पेमेंट को ईद से पहले रिलीज़ कर दिया गया। तो ये अपडेट क्या है और कौन कौन से कैटेगरी के शिक्षकों को पेमेंट रिलीज़ किया गया है, कौन कौन सा ज़िला है, तो मैं आपको इस वीडियो में आज पूरी की पूरी जानकारी दूंगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी आप स्किप ना करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिहार सरकार वित्त विभाग द्वारा लेटर को रिलीज़ किया गया है। राजेंद्र कुमार देख सकते हैं। उसके बाद पेपर जो रिलीज़ किया गया 27 तारीख छठा महीना 2023 को, यानी कि एक दिन पहले इसको रिलीज़ किया गया है। सभी का पेमेंट को लेकर देख सकते हैं विषय माह जून 2023 का वेतन बुक भुगतान में संबंध में, यानी कि जो वेतन को रिलीज़ किया गया माह जून का। मैं पहले भी एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें आपको साफ साफ यही बताया था कि माह जून का यानी कि जून का महीना सभी का पेमेंट आ जाएगा। महाशय निदानुसार उपयोग विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार के वैसे कर्मी अराजपत्रित एवं राजपत्रित जिनके वेतन की निकासी स्थापना से की जाती है को संबंधित माह का अंतिम कार्य दिवस। देखिए, मैं आपको यहाँ पे साफ साफ यही समझाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे साफ साफ यही लिखा हुआ है कि बकरीद के मौक़ों को लेकर सभी के मदारिस के शिक्षकों को पेमेंट को रिलीज़ कर दिया गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं आसान बकरीद वर्ष के दृष्टिनजर में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा रिलीज़ किया गया है। तो ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है सभी मदरसा शिक्षकों और स्कूल के शिक्षकों के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं जो दिनांक बताया जा रहा 28 तारीख छठा महीना 2023 से करने का निर्णय लिया गया, यानी कि 28 तारीख को सभी मदारिस और स्कूल के शिक्षकों का पेमेंट को रिलीज़ किया गया। आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप आसानी के साथ पूरा पढ़ सकते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से ज़िले के मदारिस के शिक्षकों का पेमेंट आया है माह जून का, यानी कि जून का, क्योंकि बिहार सरकार ने ईद के मौके पर भी 17 तारीख को यानी कि 17 अप्रैल को सभी मदारिस के शिक्षकों का पेमेंट को रिलीज़ कर दिया था। इस बार 28 तारीख को यानी कि 29 तारीख को ईद उल अज़हा है, तो एक दिन पहले सभी मदारिस के शिक्षकों का पेमेंट को रिलीज़ कर दिया गया। तो ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है क्योंकि बहुत सारे शिक्षकों ने पेमेंट को लेकर बात उठाया था कि हमें ईद उल अज़हा से पहले ही पेमेंट को दे दिया जाए, क्योंकि आपको पता है कि ईद उल अज़हा में खर्च ज़्यादा होता है। इसीलिए बिहार सरकार ने ईद उल अज़हा से पहले सभी मदारिस के शिक्षकों का पेमेंट को रिलीज़ कर दिया। ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। आप इस पेपर को, इस लेटर को आप आसानी के साथ पढ़ सकते हैं। यहाँ पे साफ साफ यही बताया जा रहा है कि सरकार द्वारा ये जो निर्णय लिया गया बकरीद को लेकर कि बकरीद की वजह से इसे एक हफ्ता यानी कि 5 या 10 तारीख को जो पेमेंट आता है, 15 तारीख को इस तरह से जो पेमेंट आया, तो इस बार ईद उल अज़हा से पहले 28 तारीख को पेमेंट को रिलीज़ कर दिया गया। तो ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है क्योंकि मैंने 2-3 दिन पहले भी एक वीडियो बनाया था, उसमें यही बताया था आपको कि बिहार मदरसा के सभी शिक्षकों का जो पेमेंट है वो रिलीज़ कर दिया जाएगा ईद उल अज़हा से पहले। आखिरकार पेमेंट आ चुका है। तो जो बच्चों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो आपके लिए लाता रहता हूं। जैसे ही बिहार मदरसा के शिक्षकों का पेमेंट रिलीज़ कर होता है, 2459+1 वाले हों या फिर 609 वाले हों या फिर 339 वाले हों, जितने भी कैटेगरी के शिक्षक हैं उससे रिलेटेड कोई भी न्यूज़ आएगी, मैं आपके पास सबसे पहले पहुँचाऊँगा। तो ये आज की वीडियो। अस्सलामु अलैकुम।